दिल्ली में शराब नीति पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ठन गई है। बीजेपी ने एलजी पर करोड़ों के नुकसान का ठीकरा फोड़ा है, तो बीजेपी ने सिसोदिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संबित पात्रा मैदान में उतरे, सिसोदिया पर जांच के दरवाजे तक आने पर बौखलाहट का आरोप मढ़ दिया। अचानक एलजी साहब ने अपना स्टैंड चेंज किया और इस स्टैंड चेंज होने की वजह से दिल्ली में अनऑथराइज एरियाज में दुकानें नहीं खुल पाई। पुरानी पॉलिसी के तहत जहां पे दुकानें खुल रही थी वहां भी नहीं खुल पाई और उसका नुकसान ये हुआ कि जो नए लाइसेंसीज थे वो कोर्ट में गए और कोर्ट ने ऑर्डर किए कि इनसे जो अनऑथराइज वार्ड्स हैं उनका लाइसेंस फीस न ली जाए, उनको रिबेट दी जाए, उसमें उनको रिलैक्स किया जाए लाइसेंस फीस प्रोरेटा बेस पे, और इसकी वजह से सरकार को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। असली भ्रष्टाचार वहां हुआ जहां ये निर्णय चेंज हुआ। किसके दबाव में हुआ, इसमें भारतीय जनता पार्टी के किस नेता की क्या भूमिका थी, इसमें किन लोगों की भूमिका थी, जिन लोगों को फायदा पहुंच रहा था उनकी क्या भूमिका थी, इसकी सबकी जांच होनी चाहिए। सिसोदिया जी, आपका ये आरोप था कि वो भारतीय जनता पार्टी के कौन लीडर थे जिनके कहने पर एलजी ने इस प्रकार के क्लॉज को हटाया, तो सिसोदिया जी हम आपको बताना चाहेंगे ये भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के कहने पर नहीं, संविधान के कहने पर, कानून के कहने पर, नियम के कहने पर जो काम एलजी ने किया है वो आप सबके सामने है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है समझने वाली कि जब एलजी साहब ने ये बिना कैबिनेट से डिस्कस किए, बिना सरकार से डिस्कस किए अपना निर्णय बदला और पहले से मंजूर, अपने से ही मंजूर पॉलिसी को अपने ही लेवल पे बदलने की कोशिश की और जब दुकानें नहीं खुल पाई, तो कुछ लोगों की तो दुकानें नहीं खुल पाई लेकिन कुछ की खुल गई, और जिन लोगों की खुली, क्योंकि दिल्ली में तो पहले से शराब बिक रही थी, जिन लोगों की दुकानें खुली उनको करोड़ों रुपए का फायदा हुआ, हजारों करोड़ रुपए का फायदा हुआ। जिन लोगों को अनऑथराइज एरिया में दुकानें खोलने का लाइसेंस मिला था उनकी नहीं खुली, और जिनको अनऑथराइज एरिया में मिला था उनकी दुकानें खुल गईं, इससे जानबूझ के उनको फायदा पहुंचाया गया ताकि कुछ वेंडर्स को फायदा पहुंचे और कुछ को नुकसान पहुंचे। आज अचानक इतने महीनों के बाद, नवंबर से लेके आप अगस्त में जगे हैं, क्या कारण है? कारण एक ही है, मनीष सिसोदिया जी के पीछे और आम आदमी के पीछे जब सीबीआई, ईडी और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग लगी तो अचानक इनको याद आया कि अच्छा अब ये पूरा मामला डाइवर्ट कैसे किया जाए, बलि का बकरा किसी और को कैसे बनाया जाए, तो एलजी को घसीट कर लेकर आओ। एलजी बेचारा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर नहीं सकता है, वो तो पॉलिटिशियन नहीं है, तो एलजी के गर्दन के ऊपर चाकू छुरी चलाते हैं।